लॉकडाउन की अधिसूचना जारी करने के बाद सिरमौर जिला प्रशासन की अहम बैठक उपायुक्त सिरमौर डॉक्टर आरके परूथी की अध्यक्षता में आयोजित हुई। अधिसूचना के मद्देनजर इस बैठक में विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई। बैठक के बाद मीडिया को जानकारी देते हुए सिरमौर के उपायुक्त डॉक्टर आरके परूथी ने बताया कि लॉकडाउन अधिसूचना का गंभीरता से पालन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस दौरान वाहनों की किसी भी तरह की आवाजाही नहीं रहेगी, सिर्फ आपातकाल अवस्था में ही वाहनों का इस्तेमाल किया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि यदि किसी व्यक्ति को अस्पताल भी पहुंचाना है तो उससे पहले 1077 पर कॉल करनी होगी। पुरुथी ने कहा कि आवश्यक सेवाओं जैसे ग्रोसरी, दूध, ब्रेड के लिए शहर में एक दिन छोड़कर दुकानें खुलेंगी, जिसका समय 12 बजे से 3 बजे तक निर्धारित किया गया है। उन्होंने कहा कि नाहन शहर में मार्च माह में 24, 26, 28 और 30 मार्च को ये दुकानें निर्धारित समय पर खुली रहेंगी। उपायुक्त ने कहा कि कोरोना वायरस को लेकर यदि सोशल मीडिया पर किसी भी व्यक्ति द्वारा कोई अफवाह फैलाई जाती है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने ये भी आग्रह किया कि यदि कोई व्यक्ति 9 मार्च के बाद विदेश से आया है तो उसकी सूचना तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में दे, अन्यथा ऐसे व्यक्ति के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जिला प्रशासन ने लॉकडाउन के दौरान आम लोगों से सहयोग की अपील की ताकि कोरोना वायरस के संक्रमण से बचा जा सके। कोरोना वायरस के संक्रमण को आगे ना फैले, इसको लेके हिमाचल प्रदेश सरकार ने इस बीमारी की गंभीरता को देखते हुए टोटल लॉकडाउन किया है। लॉकडाउन का मतलब ये है कि किसी भी तरह की मूवमेंट व्हीकल्स की विद इन स्टेट, आउट ऑफ स्टेट, क्योंकि हमारे यहाँ कालाम जो हरियाणा के साथ बॉर्डर है, पांवटा साहिब उत्तराखंड के साथ बॉर्डर है, किसी भी तरह कोई भी व्हीकल अलाउ नहीं होगी। जो शहर के अंदर भी अगर कोई व्हीकल अलाउ करनी है उसके लिए प्रॉपर प्रोसीजर होगा। किसी को एसेंशियल आइटम के लिए या हॉस्पिटल जाने के लिए गाड़ी अलाउ कर सकते हैं, लेकिन विद प्री कंडीशंस। जो हमारा कंट्रोल रूम है 1077, किसी व्यक्ति को गाड़ी लेके कहीं हॉस्पिटल भी जाना है पहले 1077 पे रिंग करेगा, केस टू केस हम डिसाइड करेंगे कि उसको अलाउ करना है या नहीं करना, अदरवाइज किसी भी तरह का कोई भी वाहन नहीं चलेगा। और लोगों से भी निवेदन है कि अपने घर में रहें, बाहर कम से कम आएँ। जो हमारी एसेंशियल सर्विसेज हैं जिसमें ग्रोसरी है, मिल्क है, ब्रेड है, बाकी फूड आइटम्स हैं जो अनकुक्ड हैं, वो एक दिन छोड़ के दुकानें खुलेंगी और उसका समय निश्चित किया 12 से 3, जैसे 24 को, 26 को, 28 को, 30 को, इन दिनों में मार्च महीने में ये दुकानें 12 से 3 अल्टरनेट डेज में खुलेंगी, डेली नहीं खुलेंगी, एक दिन छोड़ के। और सोशल मीडिया है, फायर है, आर्मी है, लैंड ऑर्डर है, ये सारी चीज़ों पे ये रूल लागू नहीं होंगे। हमसे कोई भी ऐसी जानकारी ना फैलाएं जिससे लोगों में भ्रांति हो। सुबह उठते कोई कोरोना वायरस के इलाज बताना शुरू कर देता है, कोई पॉजिटिव बताना शुरू कर देता है, जब तक उसकी वेरिफिकेशन नहीं होती लोग नोटिफिकेशन को भी चैलेंज करते हैं कि फेक है या क्या है। तो मैं सबसे मीडिया से भी अनुरोध करना चाहूँगा कि जो भी इन्फॉर्मेशन ऐसी कोई उनके पास भी आती है वो प्रशासन से शेयर करें, किसी भी तरह की कोरोना वायरस को लेके या जो भी इनसे पीड़ित व्यक्ति हैं बिना वेरिफिकेशन के कोई भी इन्फॉर्मेशन सर्कुलेट ना हो। इसमें जो व्हाट्सएप पे इन्फॉर्मेशन लोग शेयर कर रहे हैं विदा वेरिफिकेशन के, अगर कोई शेयर करता है तो उसके अगेंस्ट कार्रवाई करेंगे। और ये भी मैं अनुरोध करना चाह रहा हूँ सभी से कि जो व्यक्ति फ़ौरन से 9 मार्च या उसके बाद आया है उसमें नज़दीक का जो ब्लॉक मेडिकल अफसर है उसके पास अपना पूरा रिकॉर्ड दें और होम क्वारंटाइन में रहें। जो इस रूल को फॉलो नहीं करेगा उसके अगेंस्ट भी हम कार्रवाई करेंगे। सिटी चैनल के लिए नाहन से सतीश शर्मा की रिपोर्ट।